देखो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई पुराने जमाने में ड्राम कैसे बनता था जब मशीन नहीं था। जब मशीन नहीं था तब ड्राम कैसे बनता था इस वीडियो में पूरा सीख लो। 80 किलो का ड्राम किस तरह बनता है, उसका साइज क्या है शुरू से लेकर आखिरी तक। 24 इंची का आपको काट देना है टुकड़ा तीन, ये एक सीधे में तीन टुकड़ा 24 इंच का काट दिया हूँ। ये तीन हो गया, देखो तीन टुकड़ा हो गया। अभी एक टुकड़े को बीच से काट देना है। ये सीट 36 इंच का है मेरे भाई, 36 इंच मतलब 3 फुट बाई 8 फुट का सीट। अब इसको मैं 20 से काट देता हूँ, तो ये दो जो 20 से कटेगा वो दोनों में एक एक जॉइंट होगा, यानी दो ड्राम तैयार होगा इससे। ये दोनों जॉइंट हो जाएगा दो उस दोनों में। देखो ये कट के अलग हो गया। अब इसका कोना मैं काट देता हूँ। देखो देखने से ज़्यादा देखने से समझ में आएगा मेरे भाई, सुनने से ज़्यादा देखने से समझ में आएगा। थोड़ा दिमाग लगा के देखना, बहुत आसान तरीका से आज बताऊंगा मैं आपको, पूरा कटिंग करके टोटल चीज़ करके बताऊंगा मैं, कोई चीज़ मैं काटूंगा नहीं, सब चीज़ बताऊंगा आज इस पर। इसलिए पूरा ध्यान से देखना, इसमें समझ में आ जाएगा। जिसको ड्राम बनाना नहीं आता होगा वो समझ जाओगे मेरे भाई, और जिसको आता है उसकी तो क्या बात है। ठीक है देखो, तो इसको देखो इस तरह रख के जॉइंट मारूंगा और गोल घुमाऊँगा। ये देखो समझ गया मेरे भाई है? नहीं समझे तो दो बार देख लेना वीडियो, कमेंट कर लेना, कमेंट करके मैं पूछ लेना, कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो अब इसको ये मुड़ाई कर दिया, खाली एक साइड मुड़ाई करना है जॉइंट मारने के लिए। ठीक है, इसको धार मार देना है क्योंकि जॉइंट फंसा रहेगा। ये हो गया, सामने से देख लेना मेरे भाई। ठीक है, जूम करके देख लेना थोड़ा, सामने से समझ में आ जाएगा। देखो ये हो गया जॉइंट, ये जॉइंट मार दिया। अब इसको मैं राउंड कर दूंगा, ये पूरा गुट्टा ड्राम तैयार हो गया। अब एक बार और मुड़ाई होगा, उल्टा सीधा मुड़ाई। देखो उल्टा सीधा, यहाँ पर एक मुड़ाई हो गया। इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा मेरे भाई, वो अलग तरीके से ड्राम आपको, ये दो तीन तरीके से बनता है ड्राम, तो इसलिए ये एक तरीके से बना दे रहा हूँ। इसके बाद 40 किलो का बनाऊंगा। देखो अब ये उल्टा साइड में, उसका अपोजिट साइड में ये मुड़ेगा, क्योंकि ये राउंड होकर मुड़ेगा, राउंड होकर के जो है जॉइंट लगेगा, ड्राम तैयार तभी होगा। ठीक है, इसके बाद में 40 किलो का ड्राम कैसे बनता है उसका तरीका अलग है, वो मैं करके आपको बता दूंगा। इससे काफ़ी कुछ आप सीख जाओगे। देखो ये हो गया राउंड हो गया, ये ड्राम का शेप आ गया है। इसमें तार भरूंगा किस तरह वो आपको देखना है, उसी में मेन कारीगरी है। इतना तक का तो मैं कुछ खास बात नहीं, अब इसको पीट पीट करके आपको जॉइंट मार देना है। इसकी ऊँचाई है 24 इंची मेरे भाई। ठीक है, और बाकी कटिंग तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो एक बार और देख लेना, तब समझ में आ जाएगी। देखो ये तैयार हो गया। अब इसका है मेन कारीगरी वाला काम। देखो इस तरह रख करके किसी लोहे पे, देखो इस तरह राउंड किया जाता है चौके की मदद से, यानी कि जो चौका होता है, हथौड़ी होता है, उसकी मदद से। देखो इस तरह यही मारने में कारीगरी मेरे भाई, सही से नहीं मारोगे तो ड्राम कभी बन नहीं पाएगा। इसके बाद मैं और एक आसान तरीका आपको बता दूंगा जिससे कोई भी ड्राम बना लेगा। ठीक है, ये हो गया तार का जगह। अब इसको बढ़िया से सीधा कर देना है पूरा मार के। अभी तो ये टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन जब तार भरा जाएगा तो पूरा गोल हो जाएगा एकदम, पूरा समझो चांद की तरह गोल हो जाएगा। देखो ये हो गया, अब इस पे तार फटना है, यानी तार को जो हैंडल जिस तार से बनता है उसी तार से, वही तार इसके अंदर पूरा भराएगा राउंड। ठीक है, अब तार काट के इसको अंदर मैं भर देता हूँ। ये सीधा हो गया मेरे भाई, देखो ये तार काट दिया हूँ। तार काट के इसको थोड़ा थोड़ा मार करके और गोल कर देता हूँ ताकि आराम से इसके अंदर चला जाए तार, और एक वाई और चौकी की मदद से तार अंदर जाएगा। देखो तार पहले अंदर कर दिया, और नीचे एक वाई का सपोर्ट लगा करके आपको तार भरते जाना है, बस तार को फंसाते जाना है, यानी इसके अंदर तार सिर्फ फंसाना है, और बाद में सेट कर करके आपको उसको पूरा ये कर देना है, मतलब गोल कर देना है। गोल तो खुद बखुद हो जाएगा, तार के शेप में आ जाएगा, हथौड़ी मारोगे तो शेप में आ जाएगा तार के। अभी मैं बहुत अलग अलग किस्म का वीडियो डालूंगा मेरे भाई, जिसपे बहुत आसान हो, एक एक चीज़ का मैं डालूंगा, ढक्कन कैसे बनता है, पींदा कैसे बनता है, हैंडल कैसे रखता है, एक एक वीडियो डालूंगा। लेकिन ये उन भाइयों को, जैसे कि बहुत से भाइयों को क्या है कि आता है लेकिन पूरा नहीं आता है, तो इसमें क्या फटाफट वो सीख जाएंगे,
इसीलिए इसमें कंप्लीट पूरा डाल दिया हूँ, जिसपे पूरा समझ में आ जाएगा आपको। और अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लेना मेरे भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देखो ये हो गया, तार भरा गया, अब इसको मार मार के सेट कर देना, पूरा गोल हो जाएगा ये। देखो मेन जो ड्राम की कारीगरी है बस यही है, यही कारीगरी ड्राम की है। इसमें पूरा काम हाथ से हुआ है, देख लो, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, पुराने ज़माने के स्टाइल से ये बना है। देखो ये पूरा चांद की तरह गोल हो गया। देखो ये जो है मजबूत करने के लिए बीट निकालना पड़ता है, तो उसको मजबूत करने के लिए बीट निकलेगा। ये बीट वाला मशीन जो है हम लोग अपने हाथ से ही बनाते हैं। देखो किस तरह एकदम आसान से लगेगा कि मशीन से निकला है, ऐसा लगेगा कि मशीन से बन के आया है। इस तरह देखो पीटते जाना है, बस हाथ से घुमाते जाना है और पीटते जाना है, हाथ से घुमाते जाना है, एकदम शेप ऐसा आ जाएगा जैसे लगेगा कि मशीन से तैयार हुआ है। देख लो मेरे भाई, ये सब काम टोटल हाथ से करके आपको बताता हूँ। और इसको हो, ये हो जाने के बाद ड्राम में मजबूती भी आएगी और सुंदरता भी बढ़ेगी। ठीक है, इसको देखते रहो, बस बस बैलेंस के साथ में हथौड़ी चलाते जाना है और हाथ से घुमाते जाना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। इस पर कोई बड़ी कारीगरी नहीं है। ठीक है, देखो ये हो गया पूरा तैयार, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसका कोर गिराकर इसके अंदर, इसके ऊपर पेंदा बैठाना है। इसका कोरी गिरा दो, कोरी गिरा दो, अब इसका मेन काम है पेंदा बैठाना। पेंदा किस तरह कटता है ये भी देख लो, पहले सबसे पहले नाप लो कितना साइज है, राउंडिंग का साइज कितना है, बराबर कर लो कि ये पूरा बराबर है। बराबर होने के बाद दो सूता बढ़ा दो मेरे भाई, क्योंकि जहाँ से वो मुड़ेगा, मुड़ जाने के बाद एक तो कंपास बना लो, कंपास जो होता है उसको कंपास बना लो आधा से, ये बन गया कंपास। इसको राउंड करोगे तो पूरा आ जाएगा। अब इसको बीच में निशान दे करके राउंड कर देना है और राउंड करके काट के निकाल देना। ये दो सूता बड़ा कटेगा मेरे भाई, जितना रहेगा उससे दो सूत बड़ा कट जाएगा, तभी मुड़ाएगा वो। अब देखो इसको काट के निकाल दिया, देख लो, देखने से ज़्यादा समझ में आएगा, सुनने से कम। ठीक है, दिमाग लगा के देखना। देखो ये कट के तैयार हो गया, अब इसको राउंड गिरा दूंगा इसका कोरी और उसकी कोरी में फंसा दूंगा। बहुत से भाइयों को नहीं भी समझ में आता होगा, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछो कमेंट करके। देखो मैं धीरे धीरे तो सबका सवाल का जवाब दे ही रहा हूँ मेरे भाई, और अगर किसी का छूट जाता हो तो भी मैं दूंगा ज़रूर उसका जवाब। देखो कोरी किस तरह गिरता है, ये टोटल काम हाथ से है मेरे भाई। देखो अब लगा दिया इसको, कोरी गिर जाने के बाद इसको इस तरह फिट कर दिया। नहीं समझ में आएगा एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा, या कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट में पूछ लेना। इसके बाद और एक वीडियो डालूंगा ड्राम के ही बारे में, ये दो तीन दिन के अंदर उसको अलग तरीके से गोल करके दिखाऊंगा, अलग तरीके से बना के दिखाऊंगा। देखो ये पेंदा को लगा देने के बाद धीरे 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 इसको बैठाना है, अगर इसमें जल्दबाजी करोगे तो निकल के बाहर हो जाएगा पेंदा। अब इसको धीरे 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 मार के बैठाना है। देखो इसको बनाने के लिए थोड़ा मंझा हुआ हाथ चाहिए, जो अभ्यास किया हुआ हाथ रहता उसको चाहिए, तभी बैलेंस में हथौड़ी मार सकता है वो। और सोचो कि आज मैंने काटा और आज मैंने तैयार कर लिया तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा मेरे भाई, इसलिए आराम से करना होगा आपको, आपको इसको आराम से करना होगा। ये तो मैं हमेशा से करता हुआ आया हूँ, इसलिए मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ भाइयों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये काम। बस आप ये समझ लो कि आपको एकदम हथौड़ी को समझो कि चलाना है ऐसे जैसे सुनार चलाता है हथौड़ी, लोहार की तरह नहीं चलाना है एकदम। देखो एक वाइस अंदर में लाग लगाया और लाग लगाने के बाद में इसको पिटना है, और इसके नीचे में अब एक गोली भी लगेगा, आराम से पिटना है। और अगर इस पर पानी रखना है आपको, ये तो वैसे चावल उवल रखाता है, इसमें चावल गेहूँ धान वान रखाता है इसमें मेरे भाई, लेकिन अगर पानी रखना है तो इसमें एक पुटीन आता है, उसको अंदर में मारना पड़ता है। देखो ये गोली लगेगा,
इसका पैर इस तरह बनता है, इसे घसाएगा नहीं नीचे का पोजीशन। देखो इसको काट लिया, काट लेने के बाद ये 2 इंच कटता है और इसको मोड़ दिया। इतना लंबा पत्ती नहीं था मेरे पास, तो इसको क्या है कि 2 पत्ती को मैंने काट करके जोड़ कर दे रहा हूँ और एक साइड इसका मुड़े रहेगा। वो इसलिए मुड़ा रहेगा कि मजबूत रहेगा वो। अभी मुड़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे बनेगा मेरे पास। ये देखो ये कट ज्वाइंट हो गया। ज्वाइंट होने के बाद इसको इस तरह पीट देना है। ये बोलने से मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, अगर सीट कम है तो भी बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, देखो इस तरह धार मार देना है इसमें। ये जो धार मारा जाता है इससे मजबूती रहती है। देखो धार मार दिया, मजबूती आ गई। अब इसको करना है गोल। गोल करना भी बहुत आसान है, इसको एक बच्चा भी कर लेगा अगर हथौड़ी पकड़ा दोगे तो। बस 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 देख लो इस तरह करना है गोल। गोल करते जाओ। ये हो गया गोल। अब देखो नाप लो, नाप के देख लो कि एकदम साइज सही आ रहा है कि नहीं। रिपीट मारने के बाद चढ़ा देना है बस, फिर पीट करके घुसा देना है इसको। ये घुस गया, तैयार हुआ। थोड़ा टाइट कर देना अंदर से मार करके, हो गया। अब देख लो इसको, ये अब आधा तैयार हो गया। इस पर अब 2 हैंडल लगेगा। देख लो किस तरह पैर लगा है, घसाएगा नहीं ज़मीन में रखने से भी। अब इसमें 2 हैंडल और ढक्कन लगाना है। हैंडल के लिए बस वही तार जो अंदर भराया था, वही तार को 2 पीस काट लो। और इसका हैंडल थोड़ा खूबसूरती के लिए अलग टाइप का बना देता हूँ। ये GI तार है मेरे भाई, ये जल्दी रस्टर्ड नहीं होता है, इसलिए ये तार को लगाया जाता है इसमें। ये थोड़ा सा गोल हैंडल बना रहा हूँ। आप चाहो तो स्क्वायर भी बना के लगा सकते हो, बहुत से जगह में स्क्वायर भी लगता है। ये थोड़ा सा गोल, क्योंकि ड्राम गोल होता है तो हैंडल भी गोल बना देता हूँ। ये तैयार हो गया हैंडल। अब देखो इसका जो हैंडल का जो लगेगा वो तरीका अलग है। इस तरह पहले एक पत्ती को काट के उसके अंदर हैंडल डाल के मोड़ना पड़ता है। देख लो, ध्यान से देख लो, इसको पत्ती इस तरह डाला और इस तरह मोड़ के गोल कर दिया और काट के अलग कर दिया। ये तैयार हो गया हैंडल। हैंडल मतलब अभी तैयार हुआ। इस पर 2 रिपीट निकाल दो। रिपीट को पूरा नहीं पीटना है क्योंकि अभी पिटाएगा ये। बस इस तरह रिपीट निकाल दो हल्का हल्का मार के, और इस पे समझो कि आप अपने तरीके से भी लगा सकते हो। हैंडल लगाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये हमारे यहाँ उड़ीसा में ऐसे ही चलता है। देख लो अब इसको पूरा पिटना है। अब ये पूरा पिटाएगा। देखो इस तरह जोड़ उधर रहेगा, पीछे साइड में जोड़ रहेगा। ड्राम का जोड़ जो रहता है हमेशा पीछे साइड में रहता है। ये हो गया मेरे भाई। अब देखो ढक्कन काट के मैं बता देता हूँ। जिससे आप पेंदा काटे थे वही से ढक्कन काटना है, लेकिन उस पे मोड़ने का जगह पहले आपको इतना लिख देना है और उसके बाद मोड़ने का जगह छोड़कर गोलाई काटना है मेरे भाई। मोड़ने का जगह छोड़ के गोलाई काटना है। ये आपका ढक्कन का मोड़ाई का जगह है और ये गोलाई इतना काटना है। तो इसको एक ड्राम में 2 पीस लगेगा। ये आधे ढक्कन वाला ड्राम है मेरे भाई, ये आधे ढक्कन में बनता है ये ड्राम। ये ड्राम का ढक्कन कट के बाहर हो गया, इसको 2 पीस काट लेना है। देखो अब जहाँ से निशान मारा था वो निशान को काट के अलग कर देना है थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ से निशान मारा है वो उतना उतना मुड़ेगा जहाँ से कटिंग लगा है। बस 2 पीस उसको बराबर से काट दो, क्योंकि एक ड्राम में 2 लगेगा। ये कट गया, और इसको भी बिल्कुल उसी तरह काट देना है जैसे एक को काटा है। ये अब 2 साइड लग गया। इसको मैं मोड़ देता हूँ इस पर, और इसके बाद जो वीडियो डालूँगा उसको मैं लोहे पे पीट पीट के मोड़ के दिखाऊंगा मेरे भाई, क्योंकि ये हो गया वीडियो थोड़ा सा लंबा, इसलिए अब इसको फटाफट कंप्लीट करके आपको दिखाना है। मोड़ने का तो आप जानते हो किस तरह मुड़ेगा फाट पे रख के। देखो इस तरह मुड़ गया, और इसको पीट देना है मजबूती के लिए। ये जो इसमें ढक्कन जो लगा है मेरे भाई वो 80 का प्लेट लगा हुआ है। ये बहुत मोटा प्लेट है, इसलिए इतना मोटा लगाया जाता है क्योंकि इस पे लोग बैठ भी जाते हैं इसके ऊपर। देखो अब ये मजबूती के लिए जो है ये मुड़ गया। देख लो ये, देखो ये 2 हो गया, मतलब एक ड्राम का ये हो गया।
ये देख लो, इस पे दो कब्जा लगेगा और साइड साइड मुड़ाई होगा। देख लो, इस तरह होगा मेरे भाई, ये दो कब्जा इधर लग जाएगा, ठीक है, कोरी साइड में गिर जाएगा। और किस तरह गिरता है, एक तो इसका आगे में कुंडा लगेगा, कोरी इसका गिराना बिल्कुल आसान है, मोटे प्लेट में जो है मुड़ाई करने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, पतले प्लेट में बहुत फिनिशिंग की ज़रूरत होती है, मोटे प्लेट में आराम से मुड़ जाता है। इस तरह होने के बाद एक वाई रख के इसको सीधा कर देना, दोनों को इसी तरह कर देना, दो जो है दोनों को इसी तरह करना है, इससे क्या एकदम प्लेन हो जाएगा ये, और जिस वो पूरे गोलाई में जाके पूरा अच्छी तरीके से बैठ जाएगा ये, देख लो। ये बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, इससे भी आसान तरीका मैं बताऊंगा मेरे भाई, इसके बाद एक और वीडियो डालूंगा, दूसरे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। जनरली ऐसे ही बनता है ड्राम, इसलिए ये बताया आपको। ये दोनों तैयार हो गया, अब इसको रख के देख लो, एकदम टाइट बैठ रहा है, इसको देख लेना। और अब इस पर दो कब्जा लगेगा और एक ठो लॉक लगेगा। देखो ये कब्जा किस तरह लगता है, इससे तो बहुत आसान है, इसको मार्किंग करके भी लगा सकते हो, लेकिन आसान तरीका यही है कि रिपीट रखो नीचे और ऊपर से खींच लो और निकाल करके पीट दो, पहले एक ठो में लगाओ उसके बाद दूसरे में लगाओ, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आएगा मेरे भाई तो मैं बोलता हूँ आप सबको कि कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करने से मैं बता देता हूँ या फिर उसके बारे में वीडियो बना दूंगा मैं सेपरेट, ठीक है। देख लो ये तैयार हो गया ढक्कन, अब इस पे लगेगा ढक्कन फंसाने का चीज़, ये पत्ती, तीन पत्ती इसमें लगेगी, इस पे पत्ती को इस तरह जड़ देना है, ये ड्राम बैठा रहेगा, उठेगा नहीं अपनी जगह से, इसलिए ये तीन मोटी मोटी पत्तियाँ काट के लगा देना है और एक रिपीट इधर इधर निकाल देना है। इस रिपीट को पूरा नहीं पीटना मेरे भाई, क्योंकि ये फंसेगा भी ढक्कन पे जाके। इसको करने के बाद अब मोड़ देना, देखो इस तरह तीनों को मोड़ देना, इस पर सपोर्ट भी लगता है लेकिन ये बहुत मोटा प्लेट है तो इस पर सपोर्ट नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब चलो इसको फिट करके मैं बता देता हूँ, बस इस तरह रख देना है, हैंडल को देख लेना है बीचम बीच में, और ये रिपीट यहाँ पत्ती निकाला था, पत्ती पर एक वाई लगा कर बस रिपीट खींच के पीट देना है। देखो ये हो गया तैयार, अब इस पर लगेगा लॉक। लॉक तो लगाने बहुत आसान है मेरे भाई, खाली मार्किंग करना है और जो सणसी पंच आता है उससे आपको उस पर लॉक लगाना है। बहुत सारे भाइयों को नहीं आता होगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, एकदम ईजी तरीका यही है, बस इस सणसीपन से दबा देना है मार्किंग करके जहाँ पर आपको होल करना है, और बस इस तरह लगा लेना है रिपीट को। अल्मीनियम रिपीट लगता है इस पर, एक वाई या चौके की मदद से इसको फिट देना है, सबसे वाई से ही लगा देना है। और अगर लॉक टाइट हो जाए, जैसे लगाने के बाद लॉक टाइट भी हो जाता है या ढीला हो जाता है, ढीला तो होने से कोई दिक्कत नहीं, अगर टाइट हो जाए तो फिर दिक्कत होती है, तो उसका तरीका मैं बताया था। ये देखो लॉक इस तरह लग गया और ये टाइट लगाया, देखो ये टाइट नहीं लग रहा है, इसको क्या है कि बस जहाँ उठा हुआ है उस पर ऐसे रख के बस मार देना थोड़ा सा, बस अब एकदम।